नमस्कार डॉक्टर आत्माराम पवार, वेलकम टू एनईपी पारायण अध्याय 10 दसवाद्य, विच इज बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग एंड योर सजेशन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट। लास्ट टाइम हमने देखा कि करिकुलम फ्रेमवर्क जो यूजीसी का है उसमें मेजर माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल एनहांसमेंट वैल्यू एडेड कोर्सेस समर इंटर्नशिप रिसर्च प्रोजेक्ट ये सब किया है। 3 साल का बैचलर 4 साल का बैचलर ये सब है, उसमें भी मल्टीपल एग्जिट इंट्री में 1 साल में सर्टिफिकेट 2 साल में डिप्लोमा ये सब था। तो अब हम आगे देखेंगे कि हम हमारा फोकस रहेगा 4 साल की डिग्री पे, लगे तो भाई 3 साल की डिग्री जिसको रिसर्च वगैरह करना है, और उसमें ये सब मेजर माइनर कैसे हम ले लेंगे, एक्सपेक्टेड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये मैं देखता हूँ। देखो मेजर जो और माइनर है वो यूजुअली डिसिप्लिन बेस्ड है, भी डिसिप्लिन करेंगे, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, फार्मेसी डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, बीकॉम है, बीएससी है, ये सब हमारे डिसिप्लिन है। इन्हें की जो आज हम पढ़ रहे हैं हर एक डिसिप्लिन में वो ही यहाँ है, अलग कुछ नहीं है। तो फार्मेसी में जाना है तो सॉलिड स्टेट डोसेज फॉर्म, फिजिकल फार्मेसी, फार्मा एनालिसिस, यूनिट ऑपरेशन, स्टराइल फार्मा फैसिलिटीज, आयुष, सिर्फ हमारा अभी होता है क्या कि हम बड़े बड़े नाम देते हैं कि इधर सुटिक्स देते हैं, सुटिक्स 1 2 3 4 5, केमिस्ट्री 1 2 3 4 5, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 2 3 4, ऐसा अभी बंद करना चाहिए क्योंकि बच्चा अभी मेजर माइनर लेने वाला है, उसको कौन सा एक्चुअली सुटिक्स 1 सुटिक्स 2 में क्या है, दुनिया को क्या मालूम, आप क्या पढ़ाते हैं, आपका क्या सिलेबस है, ओके नहीं? तो कुरिकुलम बेस्ड जाना है, हमें बराबर जाना है, क्लियरली क्या पढ़ा है उसने समझना है तो एग्जैक्ट नाम चाहिए। तो ये मैं प्रपोज करता हूँ यहाँ कि सॉलिड स्टेट डोसेज फॉर्म है, या सॉलिड स्टेट डोसेज फॉर्म है टैबलेट कैप्सूल वगैरह, लिक्विड स्टेट डोसेज फॉर्म है, या ओरल डोसेज फॉर्म है, या डायरेक्टली स्टराइल डोसेज फॉर्म है, ऐसा सिलेबस रहना चाहिए। फार्मास्यूटिक्स 1 यानी कि डोसेज फॉर्म इंट्रोडक्शन, एंड फार्मास्यूटिक्स 5 इट इज स्टराइल फॉर्मुलेशन, ये पुरानी बात हो गई, वो अभी कम होनी चाहिए, एक बात हो गई। अभी हम इंजीनियरिंग जाए तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, डिजाइन थिंकिंग है, सॉफ्टवेयर, ये सब डिजाइन थिंकिंग हम यहाँ डालेंगे, या हमारा एबिलिटी एनहांसमेंट भी आता है इधर, इधर कुछ इतना ही नहीं, तो बेसिक हम यहाँ करेंगे। द फाइनेंस है, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, या बीएससी में जाके फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, ये जो हमारे सब्जेक्ट है अलग अलग सब्जेक्ट, इस सब आ जाएंगे माइनर में, उसको 10 क्रेडिट पर सेमिस्टर है या 20 क्रेडिट उसको पर ईयर है, माइनर में जाएंगे। अभी माइनर दोनों बातें रहती, माइनर प्रैक्टिकल भी हो सकता है, माइनर स्मॉल सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉल बोला में, क्योंकि उसको क्रेडिट है 8 साल में, सेमेस्टर में 4, दो सब्जेक्ट पकड़े तो दो दो क्रेडिट की वाली बात हो गई, तो 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है हमारे पास, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है हमारे पास, ऐसा करके हम सब जो सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं उसको हम एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल या सपोर्टिंग सब्जेक्ट है कि मुझे बीकॉम करना है मगर मुझे थोड़ा टैली का पूरा सॉफ्टवेयर हैंडल करना है तो सॉफ्टवेयर आज जाना चाहिए भाई, हाँ तो ठीक है ना, तू वो कर वैल्यू एडिट कर, इकोनॉमिक्स का कर रहा है तो वो और भी कुछ अकाउंटेंसी में जाके फाइनेंस में जाके, इंजीनियरिंग का है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है मगर उसको बायोलॉजी थोड़ा पढ़ना है तो ठीक है भाई, तो बायो फिजिक्स पढ़ फिजिक्स के साथ, तो कुछ तो करेगा ऐसा जो भी सपोर्टिंग है, तो ये डायरेक्टली अलग डिसिप्लिन का भी हो सकता है या आपके डिसिप्लिन का मगर अप्लाइड हो सकता है, ऐसा भी आप ले सकते हैं, इसको माइनर बोलते हैं। तो पहला बोलेंगे कि हम माइनर थोड़ा डिसिप्लिन बेस करेंगे क्योंकि हमें आदत क्या है अभी ये एक सेमेस्टर में 6 6 सब्जेक्ट हमारे खुद के पढ़ना, इस फार्मेसी तो फार्मेसी पढ़ाएगा, सिविल वाले तो सिविल वाला पढ़ाएगा, तो अभी वो कम होने वाला है ना क्योंकि आप क्वांटिटी देखेंगे क्रेडिट देखेंगे इधर, तो 10 क्रेडिट है, 10 क्रेडिट में कितना होगा, 3 साल 3 आवर वाला एक थियरी होगा तो 3 क्रेडिट बन गए, एक प्रैक्टिकल होगा तो 4 क्रेडिट हो गए, अब प्रैक्टिकल आपको कितना आवर का लेना है, 2 आवर का, अभी आपको ट्यूटोरियल भी उसके साथ लेना है तो और भी 1 क्रेडिट बन गया, तो शायद 2 क्रेडिट या 2 सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा, और 2 से 3 सब्जेक्ट बोलेंगे हम थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसा ऊपर नीचे करके,
एक दो प्रैक्टिकल और तीन थ्योरी, या छोटे छोटे कोर्स लिए माइनर में तो चार थ्योरी हो जाएगी, मेजर वाली दो थ्योरी, माइनर वाली दो थी और दो प्रैक्टिकल। तो हम इन जनरल देखेंगे तो क्या है कि डिसिप्लिन बेस्ड सिलेबस है, टीचिंग लेस है। क्यों लेस है? जैसा हमने बोला था पहला प्रिंसिपल, मीनिंग पर्पज ही है एनईपी का कि लेस कंटेंट एंड टूवर्ड्स मोर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड नॉलेज, ऐसा है। तो यहाँ हमें स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, स्पेशलाइजेशन से लेके स्पेशलाइजेशन वाली डेप्थ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके वो पसंद वाले सब्जेक्ट लेगा और बाकी छोड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ कई कई लोग बोलते हैं कि नहीं, फार्मेसी का हर साल वो दो दो ही सब्जेक्ट पढ़ेगा या तीन सब्जेक्ट पढ़ेगा तो बहुत कम होगा। अभी तो हम 36-40 पढ़े थे, तो भाई वो पढ़ने वाला है वो काउंट करे तो उतनी होगी, मगर वो क्या करने वाला है जो उसको पसंद नहीं थी, अभी उसका डिसाइड हो गया ना सेकंड ईयर में, क्योंकि उसको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जाना है, तो उसने वो केमिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ दिया ना, कोग्नेसी वाला भी छोड़ दिया समझो, उसको हर्बल ड्रग की कंपनी निकालनी है, न्यूट्रास्यूटिकल निकालना है, तो वो क्या कर रहा है, वो कोलाजी ले रहा है, कोग्नेसी ले रहा है और आगे जा रहा है। तो ऐसा करके वो जो कंटेंट है 4 साल में वो होने वाला है, उसके साथ भी उसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे जाके देखेंगे हम क्या होता है वैल्यू एडिंग में होगी। तो अभी देखो कि फार्मेसी वाला है, तो फार्मेसी के हम यूजुअली कोर सब्जेक्ट चार ही समझते थे पहले, सूटीज, केमिस्ट्री, कोग्नेसी और कोलॉजी। अभी आ गया अप्लाइड कोर्स QA QC। हाँ ठीक है ना भाई, अभी बी फार्म की लेवल है, एम फार्म में तो एम फार्म क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक है, मगर बी फार्म में कहा है, तो ठीक है ना, एक आध सब्जेक्ट वो QA QC वाला इधर लेगा माइनर करके। अभी बायोटेक्नोलॉजी है, आपके साइंस में भी रहती है बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में भी रहती है, फार्मेसी में भी रहती है। अभी बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलर हम अभी का सिलेबस देखिए तो एक ही सब्जेक्ट था बायोटेक्नोलॉजी का, मगर उसको करियर करना है लाइफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो अभी प्रॉब्लम आता है उसमें, क्योंकि उतना पढ़ता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा अभी बायोटेक्नोलॉजी वाला, समझो उसके कॉलेज में MS MPharm बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, और बाजू का जो भी साइंस कॉलेज है तो BSc बायोटेक्नोलॉजी चालू है, तो उधर से वो ले सकता है। या आपके यहाँ भी टीचर है, अच्छा टीचर सफिशियंट है, तो आपका बायोटेक्नोलॉजी का, मॉलिकुलर बायोलॉजी का सब्जेक्ट दे दो ना उसको, तो वो क्या करेगा कि मेरे फार्मेसी का है मगर फार्मेसी का बाजू वाला है, उसका भी मैं माइनर बनाऊंगा। या डायरेक्टली मुझे थोड़ा बेसिक में जाना है समझो, तो इलेक्ट्रॉनिक है, डिवाइसेस है, इसमें जाऊंगा, रिसर्च के कंपोनेंट है। अभी कभी क्या होता है कि अंडर ग्रेजुएट की हम बोल रहे हैं कि वो रिसर्च भी करेगा 4 साल में, मगर उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी, पेपर राइटिंग, ये सब पढ़ाया है क्या आपने? नहीं पढ़ाया तो वो लेगा। तो माइनर में क्या करेंगे हम, जिसको वो मेजर का फोकस बढ़ाने के लिए जो सपोर्टिंग है उसको बोलेंगे, मेजर का फोकस बढ़ाने के लिए जो सपोर्टिंग है वो माइनर भी देता है और मल्टीडिसिप्लिनरी भी देता है। इधर माइनर है जो हमारे डिसिप्लिन का है या थोड़ा बाजू वाला है, सगा है या कजन है, इधर है, और यो मल्टीडिसिप्लिन वाला दूसरे का घर का है, उसके घर में जाना है हमें और करना है, ऐसी बातें हम समझेंगे। हाँ यहाँ देखो ये स्पेशलाइजेशन भी काम आता है, मेजर और माइनर का दोनों पकड़ के आप ना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आगे भी देखेंगे। तो मैंने समझो सिविल में ये किया, इंजीनियरिंग किया, पूरा पूरा सिविल, बीए सिविल हो गया, मगर मेरा स्पेशलाइजेशन है कोर्स तो डिजाइन का, और वो कंप्यूटर मेरे पास सब कंप्यूटर वाला किया है। ठीक है ना भाई, तो दो डिग्री का नाम मिलता तुझे, मेजर सिविल में किया और माइनर तुझे कंप्यूटर डिजाइन में किया, ऐसा कुछ तो आगे भी हो सकता है, वो आगे के स्लाइड में आ जाएगा हमारे। अभी मल्टीडिसिप्लिनरी, दो लेवल की मल्टीडिसिप्लिनरी बोलते हैं कि एक बेसिक है, सब बेसिक जो अभी 12th तक पढ़ते हैं ना हम, या समझो BSc फर्स्ट में पढ़ेंगे, BPharm फर्स्ट में पढ़ेंगे, वो बेसिक वाले है, तो आगे जाके वो भी लगते हैं बेसिक भी, क्योंकि जैसा मैंने पहले दो तीन बार एक एग्जांपल दिया था कि जो मैंने पहला स्लाइड बनाया था, इसलिए एपीआई सिंथेसिस करना है बल्क ड्रग, तो मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एमफार्म हूँ मगर मेरा ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है, अरे भाई जाना तो ऑर्गेनिक पढ़ साइंस कॉलेज में जाके, वो बेसिक पढ़। हाँ तो मुझे ड्रग डिवाइस बनाना है, डॉक्टर बोलते हैं ड्रग डिवाइस बनाना है मगर मुझे कुछ मालूम नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक्स करें, ठीक है ना, तू डॉक्टर है ना, MBBS है, तूने मैथ छोड़ा था तब फिजिक्स छोड़ा था, अभी पकड़ ले फिजिक्स, कहाँ पकड़ ले, बाजू का इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना तू, फार्मेसी में आ थोड़ा बायो पढ़ने के लिए। तो ऐसा करके जब एक फार्मासिस्ट, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर एक साथ आएगा ना, तो ड्रग डिवाइस बनेगा, अच्छा एकदम ड्रग डिवाइस बनेगा। ये अभी पहला नहीं था, पहला हम
तो गड़बड़ करती है। तो मैं बोलता था ना, वो जो शार्क टैंक है ना, उसमें बहुत अच्छा चलता है। क्या है कि कौन भी लड़का है, कुछ भी पढ़ता है, मगर उसको थोड़ा मल्टी डिसिप्लिन नॉलेज है, तो बिजनेस का भी नॉलेज है, बिजनेस का भी नॉलेज रहता है, क्योंकि उसको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो ये सब पकड़ के, यह बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनर ये है जो जो बेसिक है, अकाउंट पढ़ना है। मैंने तो फार्मेसी कर लिया, मेरे बाबा की फार्मेसी फैक्ट्री, मुझे फैक्ट्री डालनी है, मगर कुछ नहीं समझता वो अकाउंटेंट क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट डेट लोन ये वो। मैं थोड़ा पढ़ लू भाई, टैक्सेशन भी कुछ नहीं मालूम मुझे, हाँ तो इकोनॉमी भी पढ़ लू, पढ़ सकते हैं ना आप। ये सब जो है वो डायरेक्टली बेसिक सब्जेक्ट रहेंगे या डायरेक्टली अप्लाइड रहेंगे, जैसे बोला मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना है, आयुर्वेदिक में जाके पढ़ना है, लॉ में जाके पढ़ना है, इंजीनियरिंग में जाके पढ़ना है। अभी डिसिप्लिन ही हायर एजुकेशन की जो डिसिप्लिन है वो मैंने बदल दी। और पहला मैं क्या बोलता था, जो एलिमेंट्री यानी कि 12th तक जो पढ़ा था मैंने, मेरा मिसिंग हो गया था, वो भी पढ़ेंगे। हाँ तो मल्टी डिसिप्लिनरी है वो, एक इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है, एलिमेंट्री वाला पार्ट है जो ऐसा बोलेंगे हम 12th तक का पार्ट है, या डायरेक्टली किसी हायर एजुकेशन की अदर डिसिप्लिन का भी पार्ट है, उसको हम मल्टी डिसिप्लिन करके पढ़ सकते हैं, वो आयुर्वेदिक का हो, मेडिकल का हो, लॉ का हो, मैनेजमेंट का हो, इंजीनियरिंग का हो, सब। अभी एबिलिटी एनहांसमेंट है, एबिलिटी कब बनेगी आपको, टेक्निकल कुछ समझता है, मुझे कंप्यूटर चालू करना आता है, मुझे झूम लगाना आता है, मुझे आज दिक्कत थी क्योंकि कोरोना के बाद बहुत दिन के बाद प्रेजेंटेशन चालू हो गया। हाँ अभी मैं बोलता हूँ कि मेरी एबिलिटी और स्किल थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि हाथ से और दिमाग से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए आज मैं संडे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हर बार पहले करता था, और फ्रेश फ्रेश रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ मैं। हाँ तो ये सब है, लिटरेचर है, कल्चरल इवेंट में पार्ट लेना है, डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन है, राइटिंग है, रीडिंग है, कॉलेज का मैगजीन बनाना है, जो मेरे पास देखो कोना को फार्मेसी में फार्मेसी का टूर्नामेंट है 1986 से, वो जो हैंडल करता है ना वो पक्का मैनेजर बनता है, या मेरा गैदरिंग चलता है, 800 लोगों का गैदरिंग चलता है, सब इतना लोग आते हैं फार्मेसी वाले, बाकी सब है, तो इसका जो मैनेज करता है वो आता है। तो ये हमें तो उसके एबिलिटी एनहांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म देना है, किसी को गैदरिंग इंचार्ज बनाना है, किसी को कल्चर इंचार्ज बनाना है, किसी को स्पोर्ट इंचार्ज बनाना है, ये सब एबिलिटी एनहांसमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट भी करना है हमें, समराइजेशन, रिपोर्ट राइटिंग, साइंटिफिक मॉडल। तो मैं सिंपल बोलता हूँ ना, सब चला है, मगर मैं मेरे घर का साइकिल जो है उसका पंक्चर नहीं निकाल सकता, तो क्या स्किल डेवलपमेंट किया? घर में मैं ओनियन कट कर नहीं सकता, तो क्या डेवलपमेंट किया? हाँ तो मुझे चपाती का रोटी का ये करना नहीं आता, बनाना नहीं आता, राउंड नहीं होती, तो क्या स्किल डेवलपमेंट करो? छोटी बातें से मोटी बातें कुछ भी ले लो। या मैं फार्मा पढ़ रहा हूँ मगर मैं एक टैबलेट नहीं बना रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर किया, मगर मुझे उसका डिवाइस का कुछ समझता नहीं। हर एक जो बात है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला है, समझो जो मोबाइल रिपेयर वाला टपरी वाला है ना, उसके साथ भी बैठे ना इंटर्नशिप के लिए, हाँ तो ना फर्स्ट सेकंड ईयर में जाके बैठेगा वो समझेगा, अरे मोबाइल कैसा खोलता है, वो क्या बोर्ड लगाया है, टपरी तो ये छोटी सी मगर क्या काम काम कर रहा है, मुझे क्या करना है, ये सब स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट होना चाहिए, इसलिए स्किल एनहांसमेंट के है। वैल्यू एडेड है, हमारा संस्कार, हमारी वैल्यू, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना, फैमिली में एक साथ रहना, इंडियन खाना, पिज्जा बर्गर को सैल्यूट करना या राम राम करना, ये सब जो बातें है, या फिटनेस है, योगा है, योगा डे कितना बग देखो पूरा ग्लोबली रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, तो काम करना पड़ता है उसको। अभी लोग बोलते अरे क्या है, बाहर जाके बोलते कि इंडिया का कैसा कल्चर रहता है, फैमिली कल्चर, सब तीन तीन पीढ़ी के लोग एक जगह रहते हैं, ग्रैंड सन ग्रैंड फादर ये सब रहते हैं, और हमारे यहाँ का लड़का लड़की बोलते हैं कि हमें क्वीन और राजा रानी बन के रहना है, हमें कौन नहीं चाहिए, क्या करें भाई हम। तो ये जो वैल्यू है हमारी, रिस्पेक्ट वाली वैल्यू, और ये बहुत जरूरी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है, समझो रियली ऐसा हो गया कि मल्टीपल एग्जिट वाला फॉर्मूला आ गया, एक साल में आ जाएगा, दूसरे साल गायब हो गया। अभी हमारा कैसा था, फर्स्ट ईयर में आता है तो जमा के हम रखते थे इम्प्रेशन, और फोर्थ ईयर तक उसको बराबर टाइट करते थे, डिसिप्लिन में रहता था। अभी गारंटी नहीं भाई, आपके सब्जेक्ट में है, नेक्स्ट ईयर आपके सब्जेक्ट में रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, आपके कॉलेज में है, आपके कॉलेज में नहीं रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, चार साल एक साथ रहेगा नहीं रहे, इतना सब वेरिएशन है। तो एक्चुअली वैल्यू एडेड टीचर की भी होनी चाहिए, अभी सेफ
कुछ टेररगिरी करके नहीं होने वाला है। अभी हमारी वैल्यू चाहिए कि हमें थोड़ा फ्रेंडशिप भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज चाहिए, नॉलेज नॉलेज और डिलीवरी स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो फिर दूसरे कॉलेज के लोग बच्चे छोड़ के आपके कॉलेज में आ जाएगी। मगर इनटेक के ऊपर जा नहीं सकते, 10% अलाउड किया है वैसा, मगर अभी भी वो पॉलिसी बनने वाली है, तो ये इम्पोर्टेंट है वैल्यू हमें दोनों को भी। मैं जैसा बोलता हूँ ना, हमें यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को बोल रहे हैं ऑलराउंडर बोलो, टू टीचर ऑलराउंडर है क्या नहीं, तो आगे देखेंगे हम टीचर का कंपोनेंट, स्टूडेंट का कंपोनेंट, पेरेंट का कंपोनेंट, माँ का कंपोनेंट, मामा का कंपोनेंट, सब हर एक क्या बात है। बहुत ही एपिसोड आधे चलने वाले हैं इसमें, एक एक बात एक एक बार लेंगे। समर इंटर्नशिप है, हाँ ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर के बाद घर में प्रॉब्लम था, माँ बीमार है, बाबा भी बाहर काम करते हैं दुबई में, मैं यहाँ क्या करूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए, ले रहा छुट्टी बिंदास ले, मगर तू क्या कर, तू घर में मत बैठ, हाँ तू इंटर्नशिप कर, इंटर्नशिप कर कि जो तुझे नेक्स्ट ईयर में काम आ जाएगी और करियर में काम आ जाएगी, ठीक है ना। यह फैमिली प्रॉब्लम था, पैसे का प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था, हाँ तो ब्रेकअप ब्रेक ले सकते हैं ना, अच्छे जमाना है, एक डायलॉग आया अभी, ब्रेकअप का रिज्वाइनिंग का अच्छे जमाना है, ये हो गया मेकअप हो गया और ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप लेने का मगर काम करने का ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप लेके सिर्फ रोना नहीं है, बाद में मेकअप करने का और आगे जाने का। तो इंटर्नशिप देखो सभी जगह चलो, इधर भी इंटर्नशिप है, मगर इंटर्नशिप के बाद ग्रोथ होनी चाहिए, नहीं तो इंटर्नशिप ले लिए सब, ब्रेकअप हो गया, टाइप हो गया, मेकअप हो गया, बाद में जॉब लगा और जॉब छोड़ दिया, या शादी हो गई और शादी में 6 महीने के बाद डिवोर्स हो गया, तो क्या काम, हो पहली इंटर्नशिप की थी ना 3 साल, उसका क्या हो गया भाई। तो यहाँ इंटर्नशिप करो, हर एक साल के बाद करो, पढ़ो, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट करो, आपको आईपीआर करना है, पेटेंट क्या है करो ना भाई, पेटेंट जाओ, रेगुलेटरी में जाओ, मैनेजमेंट करो, तो बी फार्म एमबीए, बीई एमबीए एक साथ होना चाहिए ना, क्यों पहला बीकॉम करने का, बी फार्म करने का, बीई करने का, 4 साल करने का, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के इन मैनेजमेंट में जाने का, क्यों भाई, यहाँ ही करो ना आप, मैनेजमेंट करना है तो अलग करो, मगर यहाँ ही फोर्थ थर्ड और फोर्थ ईयर में मैनेजमेंट के सब्जेक्ट बढ़ाओ आप, हो सकता है ना। तो यही बात इधर की ब्यूटी क्या है देखो, एडमिशन ले लो और आप क्या चॉइस का आगे जाओ, उसमें आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इंटर्नशिप भी मिलती है, रियली एग्जाम्पल है, तो हमेशा बोलता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ महाजन का, मेरे स्टूडेंट का, एरिया मैनेजर बन गया, मैनेजमेंट किया एमबीए मार्केटिंग में, और बाद में आता है मुझे बोलता है सर मुझे टीचर का जॉब चाहिए, क्यों मुझे घूमना पड़ता है, अरे तूने जब मार्केटिंग का एमबीए किया बीफार्म के बाद तो 1 साल को जॉब किया था क्या, नहीं सर किया था, एमबीए मिला बाजू में कर दिया, हाँ बाद में क्या हो गया, ये रीजन मैनेजर, एरिया मैनेजर बन गया, तो ठीक था, अभी रीजनल बना हूँ तो अभी क्या हो गया, नहीं अभी वाइफ बोलती है कि तू आप बाहर ही रहते हमेशा, तो अच्छा नहीं चलेगा, अभी उसको घर में रहना है, अरे तू मार्केटिंग करता था तो तुझे पता चलता था कि तेरा बॉस कितना घूमता है, महीने का 3 वीक्स बाहर है और 1 वीक कैसा तो घर में आता है, तो तुझे पता चलता था, तो इतनी सिंपल सिंपल बातें सभी होगी, तो इसलिए हमें अभी एनएसएस भी चाहिए, अडल्ट एजुकेशन भी चाहिए, लिटरेसी इनिशिएटिव भी चाहिए, प्लांटेशन चाहिए, वोटर एनरोलमेंट चाहिए, सब जो बातें लगती है आज लाइफ में एक ऑलराउंडर बनाने के लिए, एक अच्छा इंडियन सिविल पर्सन बनाने के लिए, या अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, वो सब ये एनईपी में है, और इसकी डिग्री की भी सुविधा अच्छी की है, मेजर डिसिप्लिन, एक डिग्री मिलेगी आपको, जैसे फार्मेसी में चाहिए आपको, या फार्मेसी में समझो स्पेशलाइजेशन भी आता है हमारे, इंजीनियरिंग में है स्पेशलाइजेशन, सिविल इलेक्ट्रिकल सभी हो सकता है ना, तो उसमें क्या है वर्टिकल करने चाहिए फार्मेसी में भी भाई, अभी तो बहुत सारे फार्मेसी के एप्लीकेशन है, मगर हम बोल सकते हैं ना, एक प्रोडक्शन वाला है, एक मार्केटिंग वाला है, एक ड्रग डिस्कवरी वाला है, और एक आयुष वाला है, ये चार भी, और एक रेगुलेटरी और एश्योरेंस वाला है, क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसा करेंगे पास करेंगे, ऐसा मैं ऐसा टाइम पास बोल रहा हूँ अभी, सोचा नहीं है, तो ऐसा करेंगे तो हमारे वो सब्जेक्ट रहेंगे, जिसको प्रोडक्शन जाना है तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक क्या क्या पड़ेगा, जिसको फार्मा मार्केटिंग में जाना है तो फर्स्ट ईयर से क्या क्या पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन रखेंगे, आगे ये करके जब उसका क्रेडिट हर एक वर्टिकल में, जैसा सिविल का वर्टिकल है उधर, इलेक्ट्रॉनिक का वर्टिकल है, या कंप्यूटर का वर्टिकल है, वो वर्टिकल से 50% क्रेडिट जो वर्टिकल से वो लेगा उसको वो डिग्री मिलेगी, तो 50% ऑफ टोटल क्रेडिट थ्रू द कोर कोर्सेज, जो मेजर माइनर है, इन द मेजर डिसिप्लिन, जो मेजर डिसिप्लिन है हमारा उसको सपोर्टिंग माइनर लगेगा,
उसको एक करके जो भी हमारे पास 50% वो पढ़ता है तो उसको वो डिग्री मिलेगी। तो 60 क्रेडिट हो गए 3 इयर्स के लिए, 80 क्रेडिट हो गए 5 ईयर के लिए। तो स्टूडेंट कैन चेंज द मेजर माइंड, ऐसा मैं बोला था। हाँ, द लिस्ट दिस कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द लेवल, ये आगे देखेंगे कैसा सिलेक्ट करना है। तो लिस्ट कैसी बनाइए, सिर्फ टाइम टेबल सिलेबस नहीं बनाना। अभी पहली बात थी कि ये सब्जेक्ट नहीं कंपलसरी सब्जेक्ट, कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। इंट्रा इंटरडिसिप्लिनरी सब पकड़ के आपका कॉलेज का कैंपस, कैंपस में कौन से कॉलेज नजदीक में है, आपके खुद के संस्था के कौन से कॉलेज है, बाजू वाला कौन सा कॉलेज है, हमारे उनके कंपटीशन थी पॉजिटिव या हम फाइट करते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसके पास आ जाऊंगा, मेरा लड़का उसके पास गया था वो कैप्चर करके उसका ही बनाएगा क्या, ये सब बहुत देखना पड़ेगा। अच्छा, अटेंशन लेने की जरूरत नहीं, आदत पड़ेगी, मगर ये आगे जाना है। डिग्री विद डबल मेजर है, देखो अभी ये डबल मेजर आ गया। डेबल का है, एक डिसिप्लिन तो है मेरा, मैंने माइनर भी कुछ तो किया अलग, मैंने मल्टी डिसिप्लिन भी कुछ तो किया। हाँ, तो मैं मेरा डिग्री के साथ मैं मैनेजमेंट का जोड़ूंगा, फार्मेसी वाला मैनेजमेंट जोड़ रहा है, समझो इंजीनियरिंग वाला बायोलॉजी जोड़ रहा है, ये सब हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ मेजर अपने कितने लिए, माइनर कितने लिए, मल्टी डिसिप्लिन कितने लिए, ये सब बोला है। तो अभी क्या बात हो गई, 50% का आ गया 40% पे। स्टूडेंट शुड सिक्योर 40% ऑफ टोटल क्रेडिट इन द कोर सब्जेक्ट, बाकी के आप दूसरे इधर माइनर के ले लो या मल्टी डिसिप्लिन के ले लो। तो फार्मा नैनो है, नैनो टेक्नोलॉजी वो इधर कर रहा था, मगर नैनो का काम तो समझो फिजिक्स वाला भी अच्छा कर रहा है, इधर केमिस्ट्री वाला भी कर रहा है और केमिकल इंजीनियरिंग वाला भी कर रहा है, तो अच्छा है ना भाई, मैं उधर जाके करूँ इंजीनियरिंग वाला नैनो करो, इलेक्ट्रॉनिक्स करो, बायोफिजिक्स करो, या मैंने फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल के साथ बायो एनालिटिकल किया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किया माइनर लेके। हाँ, तो फार्माकोलॉजी है, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री, एक्चुअली कोलोजोन मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लब भी कर सकते हैं ना ड्रग डिजाइन करके, क्योंकि वही चैप्टर दो जगह, इधर एक स्ट्रक्चर पढ़ने का और उधर जाके फार्माकोलॉजी पढ़ने की, एक साथ भी हो सकता है। इसी सब जो इमेजिनेशन है, पॉजिटिव इमेजिनेशन, वो आगे जानी चाहिए, आपको फ्रीडम दिया है, क्योंकि आपका जो करेंगे और आपका चलता है। अगर कुछ भी नया सब्जेक्ट निकाल लो, बस अभी हो गया है इधर पुणे में वगैरह, नहीं इंडिया में हो गया है, ABBA BCA में कुछ तो सब्जेक्ट बदले, एंट्रेंस का प्रॉब्लम आ गया, AICT बीच में आ गई, ये सब है। तो इसके लिए सब्जेक्ट की लिस्ट UGC बनाएगी शायद स्लोली स्लोली। तो वो लिस्ट ही चाहिए, और आप सब्जेक्ट अप्रूवल करके ले लो, आपके नए कुछ आइडिया है वो भी करो और दे दो ना अप्रूवल के लिए। तो सब्जेक्ट हम फिक्स करेंगे, चांस दे देंगे लोगों को चेंज करने के लिए, मगर इतना फ्रीडम दिया है सोचने के लिए, वो सोचने का फ्रीडम ले लो। ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, वो क्रेडिट करने का अच्छा फायदा है, गेटवे टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, कौन बोला है ये, जो कुमार सर है ये चेयरमैन है UGC के, PC है JNU के, इनका बहुत अच्छा सा आर्टिकल भी आया था, ये मैंने पढ़ा, उनका पॉजिटिवनेस देखा, यही पॉजिटिवनेस रखना चाहिए, आदमी बड़ा हो छोटा हो, स्टूडेंट हो पेरेंट हो टीचर हो, कि इसके और सोचना, पॉजिटिव सोचना, निगेटिव भी सोचो, निगेटिव पे ओवरकम करेंगे हम, डिस्कशन करेंगे, मगर उसको निगेटिव का ही पॉजिटिव मत बनाओ, एजेंडा मत करो, और NEP को स्टॉप मत करो, NEP आगे जाएगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आनंद झंवर जी बोल रहे हैं, ये साइंटिस्ट है हमारे एशिया में, भारतीय विद्यापीठ में है, हमारे PCP के अल्यूमिनाई भी है, अभी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर यू एक्सप्लेन इन वेरी लूसिड लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड टू एवरीवन, ये तो मेरा काम है इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अभी देखो मॉर्निंग में एक बाय मिस्टेक मैंने घर में ट्रायल करते करते समय जो 9 नंबर का एपिसोड है पूरा मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड किया और टेस्टिंग करने लगा, तो मुझे पता चला कि यार ये इंग्लिश में हो गया, दोबारा मैं हिंदी में आज करके लोड किया है। तो ये मैं जो आज जो बोल रहा हूँ ये एपिसोड नेक्स्ट वीक के लिए है, हर बार दो एपिसोड में 15-15 20-20 मिनट के रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, आपको पसंद आ जाएंगे। ये हमारे कराड़ के बुराड़े सर है कोगनसी वाले हैं, उनका भी कोगनसी में बहुत अच्छा है, हर्बल का इंडस्ट्री का या सोच उनकी, हर्बल कॉस्मेटिक्स न्यूट्रास्यूटिकल, वो खुद काम कर सकते हैं, काम करते हैं, आज भी उनका भी आया है, एक्सलेंट, प्लीज कीप इट अप, ऐसा करके हम आगे जाएंगे। आज हमने देखा कि करिकुलर कोर्सेज कौन से हैं, कि 8 टाइप के जो कोर्सेज थे, तो लास्ट टाइम भी बोले हमने, इस टाइम भी बोले, उसमें भी हम जो भी वो ही लगाए कि मेजर माइनर वाले 15 हो सकते हैं, तो थोड़ा इधर उधर लोग करते हैं,
जिनको आदत है ना बहुत सारा पढ़ाने की, एक एक सब्जेक्ट वो बोलेंगे अरे खींच ले, अरे कितना खींचेगा, टोटल तो 20 क्रेडिट का एक सेमेस्टर है, हाँ तो 14 क्रेडिट ठीक है ना, तो उसके ऊपर जाएंगे तो मल्टीडिसिप्लिनरी का क्या, हर एक का क्या होगा, तो 50% समझो क्रेडिट है तो आप मेजर बनते हैं, 40% क्रेडिट है तो आपका डबल मेजर बन सकता है, तो होलिस्टिक और स्पेशलाइजेशन करके आपको आगे जाना है, ऐसा करके हम अभी आगे आगे इन डेप्थ जाएंगे हम करिकुलम में, हमारा फार्मेसी का करिकुलम, साइंस का करिकुलम, हर जो भी मुझे मिलेगा वो मैं बोलता जाऊंगा, धन्यवाद, देखते जाओ, बोलते जाओ, नमस्कार।